Hello guys welcome or welcome back to Loggery. how are you all doing i hope all of you are doing great all of you are fine and Safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लाड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन फोर मंथ विदर्ड एग्जाम यहां पर मैं आपको दो स्केड्यूल्स देने वाली हूं कि आप विद बोर्ड एग्जाम्स एंड विदाउट बोर्ड एग्जाम्स कैसे आप स्लैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं वी हैव जनवरी फेबर मार्च एंड अप्रैल मे के अंदर आपका एग्जाम है राइट right. मे का मंथ जितने भी हमारे पास डेज हैं वी विल कंसिडर देम फॉर यू नो वी विल ट्राई टू रिवाइज एंड एवरीथिंग और वैसे भी ज्यादा दिन मे के हमारे पास नहीं है डेट

ठीक है और आप जो फॉर्म है यू कैन फिल द फॉर्म टिल ट्वेल्थ अप्रैल 2023 बहुत टाइम है बट मैं कहूंगी आप अभी जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए फॉर्म फ़िल करने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर कहूंगी कि यू हैव टू अप्लाई फॉर बोथ द प्रोग्राम्स यहाँ पे बी एल एल बी एज वेल बी एज वेल एज़ बी बी एल एल बी दोनों प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं प्लस आपके पास जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे वो है पुणे नोएडा हैदराबाद एंड नागपुर ठीक है इन चारों के लिए ही आपको अप्लाई करना है यस yes, इनके पुणे और नोएडा बेस्ट इंस्टीट्यूट है पुणे बेस्ट है उसके बाद नोएडा भी बहुत अच्छा कर रहा है हैदराबाद नागपुर जो है वो हम एज़ ऑप्शन रख सकते हैं जब हमारे सभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ जाएंगे हम देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए राइट right. रिजल्ट्स जो है आपके वो ट्वेंटी फोर्थ में ट्वेंटी ट्वेंटी को अनाउंस हो जाएंगे यहां पर आपको एक बात पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें 45 परसेंट मार्क्स आपके ट्वेल्थ में होने चाहिए अगर आप ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स ट्वेंटी ट्वेंटी में दे रहे हो रिजल्ट नहीं आया रोल नंबर नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिए वहां पर अपियरिंग की ऑप्शन होगी वो ऑप्शन कर देंगे तो बाद में ये लोग रिजल्ट ले लेते हैं ट्वेल्थ बोर्ड अगर ट्वेंटी में हो रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो बोर्ड उससे पहले कभी ट्वेंटी ट्वेंटी में दिए थे ट्वेंटी वन में दिए थे तब भी आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो राइट right? आगे चले इसका पैटर्न जो है देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम अगर गलत आंसर दोगे तो मार्क्स नहीं कट होंगे सारे के सारे सेक्शन आर मैंडेटरी लॉजिकल रीजनिंग के ट्वेल्व क्वेश्चन आते हैं लीगल रीजनिंग के ट्वेल्व आते, है, आते, है, आते, है, आते, है, आते हैं एनलिटिकल रीजनिंग के ट्वेल्व आते हैं रीडिंग कॉम्प्रेंशन के ट्वेल्व आते हैं जनरल नॉलेज के ट्वेल्व क्वेश्चन आते हैं और टोटल में सिक्सटी क्वेश्चन आते हैं ठीक है यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी दैट इज पैटर्न ऑफ द एग्जाम तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है बाकी सभी एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट है देखिए यहाँ पर आपका एक तो होता है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट इसको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कह देते हैं और जिसका यहाँ पर नाम आपका है स्लैट ठीक है ना स्लैट कहते हैं सिम्बाइसिस के एंट्रेंस टेस्ट को उसके बाद आपका स्टेप टू आता है यहाँ के बाद आपका रिजल्ट निकाला जाएगा लिस्ट निकाली जाएगी बेसिकली थी, ठीक है और उस लिस्ट के बाद आपकी आपको मेल्स भेजी जाती हैं दैट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और उसी टाइम पर आपको वैट भी होता है तो वैट इंटरव्यू और वैट की कॉल आती है तो वैट क्या है वैट इज योर रिटर्न अबिलिटी टेस्ट ठीक है ये क्या होता है रिटर्न अबिलिटी टेस्ट इसके अंदर आपको ऐसे लिखना होता है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है ठीक है ऐसे बहुत आराम से लिखा लिख लिख सकते हो आप उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करे जाते हैं और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो वहीं से आपको क्वेश्चन आता है ऐसे का तो करंट अफेयर्स अभी से फॉलो करने लग जाओ उसके लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं जो कि जिसका नाम है एजोगिरी यहाँ पे सिक्स पी हर रोज क्लास होती है लाइव क्लास होती है जिसमें हम दो हिंदू का एनालिसिस करते हैं इसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ प्लस नोट भी हम बनाते हैं ये चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं तो आप जाकर एजुगिरी सर्च भी कर सकते हैं वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा राइट तो यहां पर लाइव क्लास या रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर जरूर सुने ये आपको रिटर्न अबिलिटी टेस्ट में भी हेल्प करेगा एंड प्लस पी आई दैट इज पर्सनल इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स या फिर लीगल एप्टीट्यूड से आते हैं करंट अफेयर से वो लोग क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं तो अगर आप जनवरी से भी करंट अफेयर्स फॉलो करने लग जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा राइट right? अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 50 मार्क्स का आपका 60 मार्क्स का होता है ठीक है स्लैट का जो एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है जो आपका uh, फिर इंटरव्यू है पी जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है और जो वैट होता है रिटर्नबिलिटी टेस्ट 20 मार्क्स का होता है ठीक है ना तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी रहती है सिलेबस ऑफ स्लैट ट्वेंटी सिलेबस क्या है अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज सिलेबस साथ ही साथ में आपको बुक्स भी बता दूंगी कौन सी बुक में से आपको क्या पढ़ना है आई एम टू टेल यू एवरीथिंग चलिए लीगल रीजनिंग जो हम सबका फेवरेट है क्योंकि हम सब लॉयर्स बनने वाले हैं तो लीगल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आप सबको लीगल रीजनिंग बहुत पसंद होगा तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मेरा अपना कोर्स भी है आप बाय कर सकते हैं इस कोर्स को ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे अगेन कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ है टॉर्च है कॉन्ट्रैक्ट है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है ठीक है आपको जो करना है जो बुक आप खरीद सकते हैं इसके लिए यू कैन बाय देखिए अभी क्योंकि फोर मंथ्स हैं अच्छा टाइम आपके पास है तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा डिटेल में आप लोग

से एल एंड एल आर विली से अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप ये कर बाय करके कर तो यूनिवर्सल के लिए जाइए अगर बहुत टाइम है तो एल एंड एल आर बाई विली के लिए जा सकते हो आप यूनिवर्सल से भी आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी तो आपको क्या करना है देखिए अब यहाँ पर एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है आप कहोगे तो हमें बुक्स

ऑब्वियसली हमारे मॉक्स तो है ही है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आप बाय कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका ये वाला सेक्शन है ये वाले टॉपिक को मैं लिखता हूँ पूरा नाम पजल टेस्ट भी कहते हैं आपकी बुक में देखिए यहाँ पे आपको दो बुक्स बाय करनी रहेगी उन बुक्स का नाम है एम पांडे वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल ये दो बुक्स हैं देखिए वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल के जो टॉपिक्स हैं वो ये वाले हैं जो रेड मैंने मार्क करे ठीक है और एम के पांडे में से आपको ये वाले टॉपिक सॉल्व करने हैं ठीक है थीके? मैं लिख देती हूँ अब यहां पर देखिए आपका जो मैंने यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन किया होंगे वो टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन आता ही आता है इंपॉर्टेंट है कि आते ही आता अब देखिए असर्शन एंड रीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो वो आप यहां से समझ लेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के आपके असर्शन रीजन आ जाए आप सॉल्व कर पाएंगे राइट right. तो यहां पर आपको वर्बल रीजनिंग में से ये सारे टॉपिक सॉल्व करने हैं और एमके पांडे में से ये सारे टॉपिक सॉल्व करने हैं नो no डाउट आर एस अग्रवाल में आपके मे बी कुछ ये वाले टॉपिक्स दिए हो बट हमने आर एस अग्रवाल में से नहीं करने हैं बिकॉज यहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा है और थोड़े आंसर्स भी एम पांडे में इस चीज के सही है और पजल वाले जो टाइप के क्वेश्चन है वो आपके वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अगरवाल में अच्छे दिए हुए तो ये आपको सॉल्व करने देखिए लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहां पे अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन हो आप

टॉकिंग अबाउट मैथ तो मैथ्स के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन एवरेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ठीक है थीके? तो मैथ्स ऐसे सेपरेट सब्जेक्ट uh, नहीं है यहाँ पर बट यार लॉजिक के अंदर एनालिटिक में घुसा देते हैं एटीन डेज वन डर बायस चंद ठीक है ये बुक मैं रेकमेंड करूंगी कर लो यार प्लीज़ मतलब मैथ इंपॉर्टेंट रहता है इसको लेफ्ट आउट मत कर कर जाना ठीक है एटलीस्ट फॉर यू you नो know, बहुत सारे और भी एग्जाम्स होंगे आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज होगी ठीक है आप एम एच सी टीज हो तो वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा एटीन डेज वंडर बाइस्ट की बुक सॉल्व कर लो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट ठीक है नहीं तो एटलीस्ट इस बुक में से ये चार टॉपिक्स जरूर सॉल्व करके चले जाना बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के और मैथ्स सेपरेट सेक्शन uh, नहीं है बट अलग मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन सेक्शन uh, में ये क्वेश्चन घुसा देते हैं मैथ्स के right? राइट बात करेंगे इंग्लिश की तो इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है जो स्टार ऑफ द शो रहता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आपके पास कोई बुक है तो बहुत बढ़िया अगर नहीं है तो मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिनी डॉट कॉम वहां पर जाइए वो पीडीएफ डाउनलोड करिए ठीक है स्टडी मटीरियल वाले सेक्शन में इंग्लिश सेक्शन में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवाया हुआ है मैंने वहां पर जाइए और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ठीक है ना और वहां से आप पढ़ सकते हैं रीडिंग सबसे पहले आपका स्टेप वन क्या रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन जो पूछा हुआ है अगर थीम ऑफ मेन थीम का क्वेश्चन आया है टाइटल क्या है सेंट्रल थीम का क्वेश्चन आया है ठीक है ये सारे टोन ऑफ द पैसेज क्या है ठीक है ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं तो मतलब आ, आते रहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप समझ लेंगे कि इसके टिप्स और ट्रिक्स क्या है या पीडीएफ से भी कर सकते हैं गूगल भी कर सकते हैं एंड फिर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है ना तो प्रैक्टिस के लिए अगेन यू कैन गो फॉर इजियर क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश बाय अरिहंत की बुक आती है वो ले सकते हैं बट उसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होती हैं तो आप पी वाई क्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं यू सॉल्व पी वाई क्यूज जो क्लैट के पी वाई क्यूज होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो उसका लिंक

ठीक है अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से कब से कब तक की करनी है सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही होगा तो आप जून 2022 से लेकर के मे 2023 तक की करंट अफेयर्स को तो करें ही ठीक है ना मे 2023 या अप्रैल 2023 तक की करंट अफेयर्स कर लें ठीक है और जिनका एग्जाम जो है वो बाद में है आफ्टर सिक्स मे वाला सेशन नहीं है तो वो थोड़ा फिफ्थ सिक्स तक की भी यू नो न्यूज़ जो है वो कवर कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो यू नो क्वेश्चन चेंज करने ईजी रहते हैं अब यहाँ यहाँ पर आपको कैसे कवर करने देखिए गाइज आई वुड से मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं टू आवर्स या वन पॉइंट फाइव आवर्स का मेरा सेशन होता है वन पॉइंट फाइव आवर्स का ही सेशन होता है अगर लोकसभा का सेशन चल रहा है तो टू आवर्स तक पहुंच जाता है न्यूज़ पेपर एनालिसिस क्योंकि न्यूज तब ज़्यादा होती है वन पॉइंट फाइव आवर्स का सेशन होता है मेरा एजुगिरी पर ठीक है एजुगिरी पर जो सेशन होता है यहाँ पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ठीक है आपके नोट्स भी बनवा देती हूँ ठीक है आपको चीज़ें लर्न भी करवा देती हूँ क्लास के अंदर और आपको बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं ताकि आप स्टार मार्क कर लो तो ये वाले सेशन में से क्लैट के अंदर अराउंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आए थे मेरे सेशन में से ए के अंदर भी अराउंड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे सेशन में से आए थे बिल्कुल डायरेक्ट जो मैंने आपको लिखवाए थे वो वाले जो थे आपको आए हुए थे तो स्लाट के अंदर भी फॉर्श और आपको ये हेल्प सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेक्शन में नहीं करेगा आपके ऐसे राइटिंग में भी करेगा और इंटरव्यू में भी करेगा तो ये आप कर लीजिए एंड अब देखिए अभी जनवरी स्टार्ट होने वाला है आप जब भी ये वीडियो देख, देखना देख रहे हैं तब से प्लीज एजुगिरी का सेशन फॉलो करें एंड अगर आपने मिस आउट किया है न्यूज को तो आप मेरे वही चैनल पे एजुगिरी चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स के सेशन करे हुए हैं वो आप देख सकते हैं प्ले है पूरी इस चीज की ठीक है और इसका ही आपको पी भी जो पी है वो पेड अवेलेबल हो जाते हैं ठीक है अराउंड फाइव या सिक्स का पी है पूरे साल के आपको ट्वेंटी के अवेलेबल हो जाएंगे तो वहां पे आप जून से दिसंबर तक का जो है वो कवर कर सकते हैं ठीक है ना ये हम कंप्लीट कर देंगे कुछ सेशंस मिसिंग है इसमें से आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे तो वहां जाइए और देख लीजिए आपकी पूरी की पूरी जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगी देखिए जून से दिसंबर तक आप यहाँ पे वैसे ही शॉर्टकट मारे हैं तो जनवरी से अप्रैल का शॉर्टकट मत मारना अभी से न्यूज़ को फॉलो करने लग जाओ तभी इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा आगे अब स्टैटिक जीके कहां से करनी है स्टैटिक जीके के अंदर आपकी ज्योग्राफी बुक्स एंड ऑर्डर, साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ठीक है यहां पे अगेन जो यूनिवर्सल की बुक मैंने आपको लीगल के लिए बोला था वही सेम बुक में से आपको एमसीक्यूज करने हैं क्वेश्चंस करने हैं ठीक है वहां पे जनरल नॉलेज करके एक पार्ट है वहां पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे देखिए इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो वो नहीं पढ़नी है आपको डायरेक्टली एम सॉल्व करने हैं हर रोज़ ट्राई करो 20 टू 30 एमसीक्यूज उठाओ उनकी इंफॉर्मेशन ढूंढो कि भाई गूगल पे की जो आंसर है वो क्यों है येस yes, बहुत आंसर गलत भी दिए हुए हैं वहां पर बट वो गूगल करोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा आंसर गलत है तो वो नॉर्मल ठीक है हमें क्वेश्चन से मतलब है जो क्वेश्चन हमें कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा वो यूनिवर्सल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन उठाओ आंसर थोड़ा पीछे से कॉपी करो गूगल से इन्फॉर्मेशन निकालो कि जो आंसर है वो क्यों है वो नोट भी करो बुक के अंदर एंड इन क्वेश्चन को रट लो ठीक है जब ये वाले क्वेश्चन हो जाए उसके बाद हमारा क्वेश्चन बैंक भी आएगा वो क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन बैंक डब्ल्यू पर अवेलेबल होगा बट सबसे पहले क्वेश्चन बैंक बाद में पहले ये करना है ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन बैंक करने का फायदा नहीं तो सबसे पहले ये करना है ठीक है उसके बाद हाउ डू प्रिपेयर फॉर वर्ड दैट इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट देखिए न्यूज पेपर पढ़िए एजुकेशन का सेशन अटेंड करिए ठीक है थेके? जो एस लिखे होते हैं आई एग्जाम्स के लिए आप वो भी थोड़े बहुत देख सकते हैं ऑनलाइन ठीक है राइटिंग ऐसे ऑन द सेम टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर लिख ली लिख लिया करिए एंड अगर आप एजुगिरी पर आने लग जाएंगे ठीक है जब भी आप एजुगिरी पर जो बच्चे आएंगे और कहेंगे कि हमें स्लार्ट के एग्जाम की तैयारी करनी है अगर आप ट्वेंटी थर्टी बच्चे भी हो जाते हो तो आफ्टर द सेशन में आपको टॉपिक दे सकती हूँ हर रोज़ कि आज इस टॉपिक पे लिखो आज इस टॉपिक पे लिखो ग्रुप बन जाएगा तो मेरे लिए मुझे भी मज़ा आएगा ठीक है ना आप अपना ग्रुप बना लोगे कि हाँ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और जो स्ल्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो इट वुड बी इजियर फॉर मी तो वहां पे आके जरूर बताना वो वहां पे भी मैं आपकी हेल्प कर दूँ अब बात करते हैं शेड्यूल की फोर मंथ शेड्यूल फॉर विद बोर्ड एग्जाम्स ठीक है बोर्ड एग्जाम से कैसे आप टाइम मैनेज कर आई नो पहले मोस्ट ऑफ द किड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड बोर्ड्स बहुत ज्यादा इग्नोर हुए हैं ठीक है अब बोर्ड में पास तो होना ही है यार बिल्कुल बिल्कुल पास होना जरूरी है फोर्टी फाइव परसेंट हमें इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी है देखिए मैं आपको ये कहूंगी अगर आपको सच में लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपको बोर्ड की उतनी तैयारी करनी चाहिए कि आपके एट्टी टू एव के बीच में अगर आ जाएंगे तो आप थोड़ा बोर्ड्स को कम टाइम देकर यहां पर आ सकते हैं बट बहुत बच्चों की सिचुएशन ये होगी कि भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे तो फेल तो नहीं होना है तो फिर आप बोर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दोगे ठीक है ना तो आप देख लो आपकी सिचुएशन क्या है बट यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जो आपका करंट अफेयर्स का सेशन है जो यहां पे मैं टू आवर्स लिख रही हूँ बट कभी कभी वन आवर का सेशन होता है कभी कभी वन पॉइंट फाइव आवर्स का सेशन होता है कभी कभी वन आर टेन मिनट्स का सेशन होता है कभी कभी वन आवर फोर्टी मिनट्स का सेशन होता है बट कभी भी टू आवर्स से ज्यादा का सेशन नहीं होता है ये सेशन जरूर अटेंड करें बहुत बच्चे कहते हैं अरे हम नहीं कर सकते हमारे पास टाइम नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम अच्छा लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो ये आपको देखना पड़ेगा हर रोज इवन अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है तब भी आपको देखना पड़ेगा ठीक है नहीं अगर आप करंट अफेयर्स मिस कर दोगे आपका पेपर को क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज तो आपके कॉम्पिटिशन वाले जो बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं और उनकी नॉलेज इस बार ज़्यादा होगी मैंने इसी बार ये जो है स्टार्ट किया है एंड आई कैन एक्सपेक्ट गुड किड्स गोइंग आउट देयर एंड गिविंग देयर इंटरव्यू विद गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स ठीक है तो आप भी ये सेशन मिस मत करिए मुझे पता है बहुत बिजी हैं आप लोग बट प्लीज़ 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 डोंट मिस दिस सेशन ठीक है ये तो टाइम निकालना ही निकालना है उसके बाद अगर आप और टाइम निकाल सकते हैं तो टू आवर्स में हर रोज टू आवर्स दीजिए देखिए मैं आपको कह सकती हूँ कि जनवरी के अंदर तो आपके बोर्ड्स नहीं है ठीक है फेब में कह रहे हैं फेब मार्च में बोर्ड्स हो सकते हैं ठीक है कहीं के फेब मिड एंड में स्टार्ट होते हैं और मार्च के अंदर भी आपके फिफ्टीन डेज आपको फ्री यहां से मिल सकते हैं और फिफ्टीन डेज यहां से फ्री तो नहीं कह सकते ये फिफ्टीन वाले तो जो मार्च में होंगे वो टोटली फ्री होंगे है ना टोटली फ्री और अप्रैल भी आपका टोटल फ्री रहेगा है ना थर्टी डेज यहाँ पे हमारे फोर्टी फाइव डेज की स्ट्रैटेजी के अंदर हम सारा कुछ कवर कर सकते हैं बट अगर आपने करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अप्रैल तक के साथ साथ फॉलो किए होगे ना तो आपकी प्रॉब्लम बहुत सही हो जाएगी नहीं तो करंट अफेयर्स में आप वीक होंगे प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज एज एन एल्डर सिस्टर ओनली मैं आपको आपको लग रहा होगा कि यार इसको अपने सेशन पे व्यूज बढ़ाने हैं टू बी रियली फ्रैंक यूट्यूब जो मुझे पे करता है ना उन सेशंस के लिए अगर मैं आपको दिखा दूंगी आप खुद रोने लग जाओगे कि, कि यार क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो इतना कम पे करा यूट्यूब आपको ठीक है बट यूट्यूब के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ यूट्यूब का उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों से कनेक्ट होने का वो भी इतना सीमलेस इतना सही काम करता है वो बट यह आप लोगों की भलाई के लिए मतलब कहते हैं ना गंगा बहरी है उसमें हाथ नहीं धो रहे हो वो वाला सीन है तुम्हारा तो प्लीज करंट अफेयर जरूर करो ठीक है अब जानवरी के अंदर आई नो कि आपके यू नो वन मंथ हम थर्टी डेज ये लगा लेते हैं तो अगर आप मैं कह रही हूं मुझे पता है कि यू नो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे अगर आपके बोर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है आपको पता है कि भाई अगर नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे तो फिर फेल होने वाली हालत है तो सिर्फ टू आवर्स वाला टाइम निकालो न्यूज़पेपर के लिए सच बता रही हूँ टू, टू आवर्स तो मैक्सिमम बता रही हूँ नॉर्मली इतने का ही होता है टू आवर्स तब जाता है जब लोकसभा का सेशन है अभी लोकसभा का सेशन नहीं है अराउंड मे बी लोकसभा का जब सेशन होगा भी प्रॉमिस वन पॉइंट फाइव आवर्स में ट्राई करूंगी कि सेशन कंप्लीट कर दूँ और कुछ ऐसा करूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर कुछ कैप्सूल बना के दे दूँ कुछ भी दे दूँ आपको ताकि बोर्ड्स वाला टाइम में आपको कम कम टाइम में न्यूज कवर हो पाए ठीक है कुछ करेंगे कुछ आइडियाज लेकर आएंगे बट वो अगर आप क्लास अभी पर, अब, अभी देखो ना अगर आप अभी से क्लास लगाना स्टार्ट कर दोगे जनवरी से तो बोर्ड्स के अंदर जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट हो गए हम वो मिस आउट कर सकते हैं ठीक है ना तो कि ताकि हमारी न्यूज जल्दी कवर हो जाए ठीक है टू आवर्स तो आपको दे देने देने न्यूज पेपर को अपने ठीक है अब जिन बच्चों का कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा बोर्ड्स का सही चल रहा है कुछ ऐसा टेंशन नहीं तो टू आवर्स प्लस टू आवर्स दोगे जिसके अंदर जो टू आवर्स आप दोगे उसके अंदर आप कोई भी एनी वन सब्जेक्ट कवर कर सकते हो ठीक है वो एनी वन सब्जेक्ट स्लैट के लिए वो आप रीडिंग कॉम्प्रीहशन कर सकते हो लीगल कर सकते हो लॉजिक कर सकते हो तो इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो ठीक है अब यहां पर ये भी देखो जिन बच्चों ने क्लाट का एग्जाम दिया एलेट लाइट का दिया आपका पहले कौन सा सब्जेक्ट हो चुका है जो नहीं हुआ है वो पिक करके करो ठीक है जिन्होंने जीरो से प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है वो इन तीनों में से कोई भी चूज कर लें कोई भी सब्जेक्ट कर लो बहुत बड़े बढ़िया होगा बट जो भी टॉपिक पढ़ना वो अच्छे से पढ़ना ठीक है और ट्राई करना कि उसके छोटे छोटे नोट जैसे लॉजिक का है जो टिप एंड ट्रिक पता चल रहा है उसको आप नोट करो कहीं पर ताकि बाद में रिवाइज कर सको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके लॉजिक में उनको मार्क करो कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है ताकि रिविजन के टाइम पर उनको सॉल्व कर सको जो क्वेश्चन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है है लग रहा है कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है उसको भी मार्क करो ताकि सॉल्व कर लीगल के अंदर, भी, बुक के अंदर ही बनाओ, हमारे पास अलग से नोटबुक में नोट बनाने का टाइम नहीं है बुक के अंदर बनाओ. तो पीडीएफ का प्रिंट आउट जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं उनका ही आउट निकलवा लो अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता चल रहा कौन से पढ़ने तो कॉमेंट डाउन मिलो आई विल टेल यू तो देखो यहाँ पर हम मतलब थर्टी डेज के मे बी सिर्फ थर्टी डेज के लिए आप टू आवर्स एक्स्ट्रा दे रहे फोर आवर्स दे रहे हो बोर्ड से पहले आप कह रहे हो नहीं भाई सिर्फ करंट अफेयर्स को देंगे बाकी हम बाद में देखेंगे फिर जब मार्च का टाइम आ जाएगा जब ये वाला टाइम आ गया ना जब 15 डेज मार्च की बिल्कुल फ्री और अप्रैल ये 45 डेज के अंदर प्रॉमिस करो कि 14 आर्स की सिटिंग दोगे अगर यहाँ पे 14 टू तो 16 आर्स की सिटिंग दे दोगे तो फिर हम बाकी सिलेबस का यहाँ पे कवर कर सकते हैं आप अपने बोर्ड आराम से दो बट गाइज प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार करंट अफेयर्स मिस मत करना करंट अफेयर्स एक बार मिस हो जाएंगे तो वो नॉलेज नहीं आएगी स्लाट के एग्जाम के अलावा आपको पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करना है सिम्बाइसिस के लिए इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स तभी होंगे अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे गारंटी ये है आपको सिर्फ क्लास के अंदर आना है समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ठीक है शेड्यूल फॉर फोर मंथ विदाउट बोर्ड एग्जाम्स ठीक है अगर आप ड्रॉपर हो आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है तो दिस इज द स्केड्यूल फुल फ्लेजेड स्कड्यूल दैट ठीक है यहां पर आपको जो सिटिंग देनी है वो अराउंड आपकी टेन आवर्स की सिटिंग बन जाएगी ठीक है नाइन टू टेन आवर्स की सिटिंग बन जाएगी जिसके अंदर आप करंट अफेयर्स एनालिसिस देखोगे करंट अफेयर्स का एनालिसिस देखोगे ठीक है उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में ही खत्म कर देंगे हम यूनिवर्सल में से पढ़ सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी दी हुई है यूनिवर्सल के अंदर ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा जनवरी का बाद आपका फेब का पूरा स्ट्रैटेजी दिया हुआ है मैंने उसके बाद अली आपका मार्च का ठीक है अब यहाँ पे मार्च तक आपका टेंथ मार्च तक आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो रहा है सभी सेक्शंस का ठीक है उसके बाद यहाँ पे हमारी रिविजन स्ट्रैटेजी आएगी और रिविजन स्ट्रैटेजी के अंदर बिल्कुल जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवाए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर आप क्विकली क्विकली सब कुछ रिवाइज करोगे ठीक है सो रिविजन के लिए क्या हमें चाहिए रिविजन के लिए वी वॉन्ट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो इसलिए मैं आपको कह रही हूं बुक्स के अंदर हर चीज के अपने नोट्स जरूर बनाओ अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उनको साइड में शॉर्ट में लिखो ताकि जल्दी रिविजन हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लो ताकि इनको भी आप रिवाइज कर सको स्टार्टिक जीके का हर एक क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे लीगल अवेयरनेस का जो यूनिवर्सल की बुक में से करोगे आप लीगल जीके के जो क्वेश्चन है वो भी हर एक क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूनिवर्सल में से बार बार आप हर एक क्वेश्चन रिवाइज करोगे रिविजन स्ट्रेटी के अंदर इवेंचुअली आप मॉक सॉल्व करोगे तो आपकी जो रिविजन है वो मार्च के अंदर से लेकर आप एंड ऑफ मार्च तक सभी का सभी रिविजन खत्म कर दोगे एंड मॉक्स जो है वो अप्रैल में देना स्टार्ट करोगे जो हमारे मॉक्स हैं वो अवेलेबल होंगे आप बुक मार्क भी कर सकते हैं जैसे ही मॉक्स अवेलेबल होंगे वैसे ही आप बाय कर लेना आपको टेन मॉक्स अवेलेबल करवाए जाएंगे वो जरूर सॉल्व करना हमारे मॉक्स अब तक बहुत ज्यादा हिट रहे हैं ठीक है उनमें से क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो इसलिए आप कब तक आपको मॉक्स चाहिए ये जरूर बताना कि जल्द से जल्द हम कर सकें ठीक है लिंक कॉमेंट जरूर करना एंड डू बाय बायर मॉक्स एंड डू सॉल्व आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मॉक सॉल्व करने से ठीक है ना तो अप्रैल के अंदर आप मॉक सॉल्व करने लग जाएंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे मॉक्स बहुत जरूरी होते हैं वहां पे इंप्रूवमेंट होती है सब कुछ हम करते हैं ठीक है ठीके? ना सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो बट प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब